उत्तराखंड की तबाही ने हमें बहुत से सबक भी सिखाए हैं। विकास की अंधाधुंध दौड़ में हमने सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। सड़कों का जाल बिछाने में पहाड़ कितने कमजोर हो रहे हैं, इसका हमने ध्यान नहीं रखा। तब एहसास हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। इन नाजुक हालातों में इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस के जवान मौके पे सबसे पहले पहुंचे, लोगों को उफानती नदियां पार कराएं, उन्हें उतारकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, पहाड़ों पर हाथ थाम कर उन्हें नीचे उतारा, उन्हें दिलासा दी, उनके साथ चले। आईटीबीपी के ये जवान मुस्तैदी से अपना हर फर्ज निभाते रहे। द बिगेस्ट चैलेंज एट द मोमेंट इज टू सेव एज मेनी लाइव्स एज वी कैन, टू रेस्क्यू एज मेनी पीपल एज वी कैन। एनी अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड मैन पावर विल नॉट बी सफिशियंट इन अ शॉर्ट टाइम टू ओवरकम दिस ट्रेजेडी। उत्तराखंड में लोगों की मदद करने वाले तमाम लोगों को समेटना नामुमकिन है। जहां से 1 लाख लोगों को बचाया गया हो, जहां अब भी हजारों लोग चुपचाप राहत के काम में जुटे हों, वहां की पूरी तस्वीर सामने लाना आसान नहीं है। इस तबाही के दौरान ऐसे सैकड़ों लोग थे जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत मिशन में हिस्सा लिया, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग जो वर्दी में नहीं थे, जिनकी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, वो इंसानियत के नाते दूसरों की मदद कर रहे थे। मुश्किल वक्त में मजबूत कदम रखना, इन पेशेवर ट्रैकर्स और राफ्टर्स के ग्रुप के लिए हमेशा का नारा था। तबाही के बाद के दिनों में ऋषिकेश से आए इस ग्रुप ने इसी नारे के साथ काम किया। मार्टिना और उनके 30 साथियों ने बिना रुके हुए 48 घंटे तक काम किया। दुनिया से कट चुके चंद्रपुरी को जोड़ने के लिए उन्होंने मंदाकिनी नदी पर रस्सियों का जाल बिछा दिया। दीपू, मैं फोन कर रहा हूँ, एक छत पर खड़ा है। ये इनकी मेहनत का ही नतीजा था कि चंद्रपुरी में रहने वाले 400 से ज्यादा परिवारों को वक्त रहते राहत का सामान पहुंच सका। We are here. We can instantly help, and that's why we decided to come. This has nothing to do with nationalities or anything like this. This is just human beings who want to help, and that's how we kind of just came up with the plan. Being Bahadi, we are from this area, local area, so it's really emotional and really hard to see other people, you know, starving and all. So we talk among ourselves, like all raft guys from Rishikesh area, rafting companies and all. We got skills to take rafts on the river. You know, we know the trains. You know, it's really we're kind of used to of this stuff, so we thought like this is the best way we can help other people. मदद का सिलसिला यहीं नहीं रुका। मुकेश अपनी ट्रेकिंग टीम के साथियों के साथ हर रोज 8 घंटे पैदल चलकर दूर दराज के गांव में कंबल, खाने का सामान, छोटे टेंट पहुंचाते रहे। इन गांव में मदद की आखिरी आस बस यही टीम थी। जिन लोगों की इन्होंने मदद की, वो आज भी उनको भगवान से कम नहीं मानते। उनको भगवान बोलते हैं और क्या बोलते हैं, जो हमको वो कर रहे हैं, बता रहे हैं हमको रहने के लिए, और क्या है। अब सरकार भी नहीं है तो भगवान ही तो है हमारा, और कौन है कि भगवान की तरफ से आप मदद कर रहे हैं। जिंदगी में बहुत कम ऐसा वक्त आता है जब आप तबाही को इतना करीब से देखते हैं, जब इंसान को समझ आता है कि वो कुदरत के आगे कितना बेबस है। त्रासदी को झेलते हुए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, वो कुछ बदल नहीं सकता सिवाय इसके कि वो खुद को भुलाकर दूसरों की मदद करे। उत्तराखंड तबाही के दौरान हमारी सेना ने, हमारे जवानों ने जितना बेहतरीन काम किया, उनका सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि ये देश हमेशा उन्हें याद रखे। जंग का वक्त हो या फिर अमन का, उनका जज्बा हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से हमेशा ऊंचा रखेगा। मेरे और मेरे साथियों के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।